हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम क्लास 12 का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। ठीक है बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स का। बेटा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए वेक्टर्स होता क्या है। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका बोथ मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी डायरेक्शन भी हो। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी हो और बोथ डायरेक्शन भी हो। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा बट देर इज नो डायरेक्शन। अगर आप देखें, जैसे कि हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बताया जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमें जैसे कि हम मान लीजिए हम हरियाणा में रहते हैं। ठीक है, हरियाणा से, हरियाणा में जैसे मान लीजिए हम सिरसा सिटी में रहते हैं। ओके, सिरसा में रहते हैं और सिरसा से हमें जाना है फतेहाबाद। ठीक है, सिरसा के जो 7 स्टेशन है उसका नाम है फतेहाबाद। अब हम सिरसा से जो फतेहाबाद जा रहे हैं, जो सिरसा और फतेहाबाद के बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए वो कितने किलोमीटर का है? मान लीजिए वो 70 किलोमीटर है। सिरसा और फतेहाबाद के बीच का डिस्टेंस लेट इट सपोज मान लीजिए वो 70 किलोमीटर है। जो 70 किलोमीटर है बेटा वो तो होगी उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू। और हमने यहाँ सिरसा से फतेहाबाद जाने के लिए क्या पाथ फॉलो किया? हम सबसे पहले यहाँ से कहाँ गए? हुड्डा चौक। हुड्डा चौक से मान लीजिए अगर हमने आगे जो सीधा पाथ फॉलो किया वो किसका था? फतेहाबाद का। तो ये जो हमने एक प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो करी ये उसकी क्या हो गई? डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वो है हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने वर्ड यूज कर दिया डिस्प्लेसमेंट। जो फिजिक्स वाले बच्चे उनको बिल्कुल क्लियर होगा वेक्टर और स्केलर, हमने फिजिक्स में बहुत अच्छे से भी पढ़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट्स या कॉमर्स से बिलोंग कर रहा है तो उसको क्लियर होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा वो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी डायरेक्शन भी हो। बेस्ट एग्जांपल दिया, मान लीजिए सिरसा से फतेहाबाद जाना है, डिस्टेंस बीच का कितना है? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है। हमने यहाँ से फतेहाबाद जाने के लिए क्या डिस्टेंस, क्या पाथ फॉलो किया? दैट इज वो उसकी क्या होगी? डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो है बेटा हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसका मैग्नीट्यूड है और जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे टाइम। अब बेटा टाइम की बात चलती है, हमें पता है, हम कहते हैं हमारी घड़ी में अभी 5 बजे है। ठीक है, घड़ी में 5 बजना जो है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है। 5 किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं बजे, हम डायरेक्शन तो नहीं बता सकते कि 5 की डायरेक्शन क्या है। तो वो क्या बन गया? टाइम क्या हो गया उसका? एक स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि टाइम 5 बजना 6 बजना उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल दे सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं टेम्परेचर। मान लीजिए हम बात करते हैं टेम्परेचर की, हम कहते हैं आज हमारा जो वेदर है वो 40 डिग्री है। ठीक है, आज जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। 40 डिग्री उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है। 40 डिग्री किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं है, 40 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रही, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हमारा जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हमारी जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज है वो बेस्ड है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर क्या है, मान लीजिए कि ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, से ट्रायंगल इज ABC। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है? इन ट्रायंगल ABC by triangle of addition we can say AB vector plus BC vector is equal to AC vector. Means AB vector और BC vector, देखो direction दोनों की क्या है? Regular। पहले AB आया, AB के बाद BC, लेकिन जो AC है उसकी direction क्या होनी चाहिए? Opposite। AB vector plus BC vector को हमने AC vector लिखा, that is called a triangle of addition। ध्यान रखना बेटा दो साइडें regular है लेकिन तीसरे का order reverse होना चाहिए। This is a ट्रायंगल ऑफ एडिशन। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 की। बेटा 11.1 तो वही था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है।
ठीक है, मेन आपकी एक्सरसाइज 11.2 से स्टार्ट हो रही है हमारी वेक्टर्स में, 10.2 है ये वेक्टर्स, आप देख लेना आपके बुक में चैप्टर नंबर कौन सा आ रहा है, फिलहाल ये 10.2 मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्यूट फाइंड मैग्नीट्यूड। आपने क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जैसे कि ए वेक्टर क्या दिया हुआ बेटा, आई प्लस जे प्लस में के, आपने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड का निकालने का क्या तरीका है, रूट के अंदर ये फॉर्मूला है, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस ए के कोफिशियंट का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लगेगा रूट के अंदर आई का कोफिशियंट 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट 1 का स्क्वायर और के का कोफिशियंट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, कितना आंसर आ गया रूट में 3। उसके बाद बी वेक्टर आपको क्या गिवन है बेटा, 2i माइनस में 7j माइनस में 3k, आपने निकाला है बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i का कोफिशियंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, j के कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, जस्ट ऐड रूट में 62 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगेन c वेक्टर क्या गिवन है, दिस इज 1/√3i प्लस 1/√3 जे कैप प्लस, सॉरी दिस इज माइनस 1/√3 के कैप। आपने बेटा क्या निकालना है, सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे, रूट में जो भी आई है उसके कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, ए का कोफिशियंट लिखिए उसका स्क्वायर, सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, सॉल्व कर लो, 3 एलसीएम आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक डेफिनेशन दी हुई है बेटा, वन सेकेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 10.2 है ना, यस, इसके आंसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, एनी टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कोई भी दो वेक्टर्स का नाम दे सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, और टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के आंसर बहुत पॉसिबल हो सकते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेन आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन इज फाइंड x and y, question is find the value of x and y so that the vector 2i plus 3j and xi plus yj are equal, hume given a vector 2i plus 3j is equal to xi plus mein yj, hume x aur y ki value nikalni hai aur hume given hai ki dono vectors aapas mein equal hai, karenge kaise, comparing coefficients of I cap and j cap, सबसे पहले आई आई वाले कोफिशियंट को कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और जैसे आपने j के कोफिशियंट को कंपेयर किया y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू ये हो रही है कंप्लीट, मींस आपको मैंने बेसिक्स जो बताया है और 10.2 के क्वेश्चंस बताए हैं, आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।